हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। देखो गाइस, सबसे पहले तो ऑलरेडी 1.5 महीने का गैप हो चुका है इस ड्रामे में पहले भी, और फिर से 2-3 एपिसोड सब हो गए थे और फिर से ऑलमोस्ट 1.5 महीना गायब हो चुकी है मोहतरमा जो इस ड्रामे को सब किया करती थी। और आप लोगों को तो पता ही है सब टाइटल के बगैर ड्रामा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब मैंने डिसाइड किया है कि जो episode 13 के बाद 6 एपिसोड रह गए हैं मैं उसको सब टाइटल के बगैर ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि स्टोरी ओवरऑल अब समझ में आने लग चुकी है और जितना मुझे समझ में आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर मिस्टेकली कुछ मुझसे गलती हो जाए ना तो प्लीज आप लोग करेक्ट करवा देना जब ये ड्रामा प्रॉपरली सब होगा, या फिर मैं ऐसा करूंगी कि जैसे ये ड्रामा पूरा सब हो जाएगा ना उसके बाद में एक प्रॉपर वाला वीडियो लाऊंगी जहां पर मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगी जहां पर मैं बताऊंगी कि कहां पर कुछ गलतियां हुई है, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि कुछ गलतियां ना हुई हो। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लास्ट टाइम के इंसिडेंट की वजह से अभी जो सीन था उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होने लगी थी, क्योंकि उसने जोहू को तो बहुत बुरी तरह से पीटा था और वहां पर सारी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और ऑलरेडी सियाली कितने पंगा करके रखा था मीडिया के सामने ये बोल के कि मेरे दामाद को पीटा हुआ है। आप लोगों को इतना तो याद होगा ही, मैं मेक श्योर कर रही हूँ आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊ। सो इस बात की वजह से सिचुएशन बहुत पैनिक बना हुआ था, पूरे मीडिया वाले अभी सिंह और सूर्यावारित फैमिली वालों के बारे में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और बदनामी हो रही थी। रिंग आती है, पहले ओटीपी को बंद करती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें वैकेशन पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद असल में बात क्या था ना, देखो इतना गंदा सिचुएशन बना हुआ है और रिंग को अच्छी तरह से पता है सिंह बहुत हाइपर टाइप का बंदा है और फिर से गुस्से में कुछ गलत सलत ना कर ले, इसी बात की वजह से उसने ऐसा सोचा कि एटलीस्ट अगर वैकेशन में चले जाएंगे तो इस सब चीज से दूर रहेंगे और थोड़ा इसका माइंड भी सही रहेगा। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में जोहू को ट्रीट कर रहा था और आपको याद होगा कि यहाँ पर जोहू को कस्टडी से बाहर लिया गया था, वो फुली आजाद नहीं था, तो वो अभी सेम की मदद से बाहर निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में ऑफिस में सूर्यावारित ऑफिस में बहुत ज्यादा पंगे हो रखे थे, क्योंकि खुद के बॉस के बारे में बदनामी हो रखे थे और जो जोहू को पीटा गया था ना सिंह के द्वारा उस वीडियो को प्ले किया गया था पूरे मीडिया के सामने, तो वही सारी बातें हो रही थी। अभी ट्री और हमारी जो बच्ची है सीन की बहन और जो डॉक्टर था वो आर सब लोग बातें कर रहे थे कि वो पुलिस सब कुछ सही हो जाए और जब तक सिंह वापस नहीं आ जाता जब तक सिचुएशन सही नहीं होता, अब इसको तो हमेशा मानना है, ऐसा वो लोग बातें कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में अभी रिंग खाना बना रही होती है तभी वहां पर सिंह आता है और उसके बाद वो पूछता है तुम्हें क्या कर रही हो, वो बोलते कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा टेस्टी खाना बना रही हूँ। और उसके बाद जो सिंह था वो हमारी रिंग के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि अब उसका जो रोमांटिक हस्बैंड वाला कैरेक्टर तो अब तक बाहर गया नहीं है। लेकिन तब वहां पर फोन आ जाता है तो हमें पता चलता है फोन यहाँ पर रहने वाला था, क्योंकि अब सिंह की सेफ्टी और उनकी सेफ्टी भी उसके लिए मैटर रखता था और उसका बॉस है तो बॉस को कैसे छोड़ सकते। सिंह काफी गुस्से में बोलता है कि कसम से तुम तो ना मुझे पूरे लाइफ बेहालत मारोगे, मेरे वाइफ के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ट्राई करता हूँ और तुम तो वो भी नहीं होने देते, बोल के उसे ऐसे भगा रहा था। और जो फोन था वो हंसने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड था फोन वो एक वीडियो देखता है जिस बात की बच्चे काफी ज्यादा परेशान था। सिंह और रिंग दोनों आते हैं, फोन को पूछते क्या हुआ है, वो तो पहले बात को टालने की ट्राई करता है, सिंह फोन से फोन छीन लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सिंह उस वीडियो को देखता है तो वो भी शॉक में आ जाता है। रिंग आती है, रिंग भी सेम चीज करती है, क्या हुआ है पूछते है। पहले वो दोनों बात को टालने की ट्राई कर रहे होते हैं और उसके बाद जो रिंग है वो फोन को छीन लेती है। तब हमें पता चलता है आपको याद होगा रिंग ने जोहू को अपने करीब करके उससे ऐसा चुगलवाने की ट्राई किया था और भाई साहब ने तो उस वीडियो को भी लीक कर दिया, मतलब जो सिंह था उसका इस्तेमाल करके जोहू ने उस वीडियो को लीक करवाया। और अब सिंह पूरी तरह से मीडिया में लाइव बैठ के बोल रहा था कि ये सब उसका प्लान है, मेरा भाई कोई इतना अच्छा इंसान है नहीं, उसने अपनी बीवी का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छे फॉरेनर को NRI बिजनेसमैन को फंसाया है और ब्ला 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 बहुत गंदी गंदी चीजें बोल रहा था सीरियसली, जैसे कि वो तो उसका भाई हो ही ना। और ये सब करने के लिए ऑब्वियसली जोहू ने बोला हुआ था ताकि लोगों की सिंपैथी उसे मिल सके। और हमें दिखाया जाता है काफी परेशान थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
चोरिंग थी, काफी अपसेट थी और वो ऐसे बैठी हुई थी, सिंह से समझाने की ट्राई कर रहा था और उसे बोला था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा साथ कभी छोड़ नहीं सकता, बोल के उसे कम्फर्ट देने की ट्राई कर रहा था। रिंग काफी अपसेट थी, उसे सॉरी बोल रही थी क्योंकि उसकी वजह से सूर्या वारित वालों की बहुत ज्यादा बदनामी हो रखी थी और ये दोनों साथ में काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जहाँ पर ये लोग काफी अच्छे लग भी रहे थे। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में, जो रिंग थी वो आती है और वो पूछती है कि सिंह कहाँ पर है पोन को, वो बोलता है किचन में, किचन में सडनली आग लगने की ऐसे दिखाया जाता है, भागते हुए जाते हैं दोनों। रिंग तो कुछ देखे बगैर ही सिंह को पूरा आटे से मारती है, बाद में पता चलता है बस वो फ्राई पैन में आग लगी हुई थी और जो सिंह है वो तो पूरी तरह से आटा आटा हो गया था। और उसके बाद सिंह बोलते कि तुम्हें लगता है तुम कोई मजाक कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, बोल के वो भी उसे आटे से मारने लगता है। तो ये दोनों पूरी तरह से आटे में कवर हो गए थे, फोन हंसने लगता है और उसके बाद और बारी आ गए थे नहाने का और दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे को नहला रहे थे और दोनों काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जब ये तीनों एक रेस्टोरेंट पे गए हुए थे थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वही वीडियो प्ले हो रखा था। सीरियसली किसी को भी काम नहीं था, हर कोई यही वीडियो प्ले करवा रहा था, इवन रेस्टोरेंट की टीवी भी यही वीडियो प्ले था, जिस बात की वजह से रिंग को थोड़ा बुरा लगता है और वो काफी अनकम्फर्टेबल फील करती है। सिंह उसे समझाने की ट्राई करता है और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से निकल ले तो वही हमारे सेहत और हमारे रेपुटेशन के लिए अच्छा है, और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर जो एक मीडिया में इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर सियाली खेत की पूरी खानदान वहाँ पर बैठे हुए थे अभी रिंग के बारे में, सिंह के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने के लिए। इवन अभी सियाली खेत और उसकी वाइफ तो सिंह और रिंग के बारे में बहुत बुरी बुरी चीजें बोल रहे होते हैं, ताकि अब आपको तो याद ही होगा सियाली खेत अभी रिसेंटली जो के बाद सबसे बड़ा दुश्मन था सिंह का। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो गिफ्ट है, गिफ्ट पता नहीं क्यों और रिंग के बारे में बहुत बुरी चीजें बोलने लगती है, ये बोलने लगती है कि उसने मेरे पति को सीरियस किया और उसने मेरे बच्चे के अच्छाई का फायदा उठाया और वो बहुत गंदी टाइप की लड़की है ब्ला ब्ला, और वो तो ड्रामा कर रही थी रोने का। जो सब देखने के बाद एज एन ऑडियंस हम तो शॉक हो ही सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये सब देखने के बाद वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो तो रिंग को भला बुरा कहने लग जाते हैं, और ये सब देखने के बाद अब रिंग से रहा नहीं जाता, वो भी उन लोगों को रिप्लाई करने लगती है, लेकिन ये रिप्लाई बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि आजकल के जमाने में हर टट्टे भट्टे के पास फोन होता है, तो फिर से वो बंदा फेसबुक पे लाइव जाने लगता है, जिस बात की वजह से जो सिंह था वो सिचुएशन को संभालने की ट्राई करता है, लेकिन वो बंदा तो फोन को तो हटा ही नहीं रहा था। और सिंह को जैसे तैसे अपनी वाइफ यानी कि रिंग को लेकर वहां से जाना पड़ता है, ऐसे बेचारे तो वैकेशन मनाने आए थे और यहाँ पर भी ऑलरेडी काम खराब हो चुका था। हमें दिखाया जाता है जो अब घर पे वापस आ चुका था और जो सिंह था, सिंह का बड़ा भाई, वो तो उसके तलवे चाटने के लिए भी रेडी था, और जो भी बोला था उसके सराखों पे उसकी बीवी की हर बात की तरह ही मान के वो उसे खुश कर रहा था, ताकि वो उससे सिंह को पीछे कराने में हेल्प करे, सिंह को हट करने में हेल्प करे। और हमें दिखाया जाता है जो जोहू था वो सिंह को कुछ काम दे के बाहर भेजता है, और उसके बाद वो अपने लॉयर को यानी कि अपने असिस्टेंट को पूछता है कि उनके बारे में पता चल गया, वो लोग कहाँ पर है, तभी वो बोलता है कि हाँ बॉस हमें पता चल चुका है दोनों कहाँ पर छुट्टी मनाने गए हैं, छुपने गए। और उसके बाद जो का सीन यहीं पर कट हो जाता है। सो गाइस ये वाला था नया पार्ट, और इसके बाद जो भी एपिसोड होंगे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी और जो भी मिस्टेक हो थोड़ी सी तो आप लोग मैनेज कर लेना, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी कि मैं प्रॉपर स्टोरी को समझ के एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं कोई रॉ ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूं। आई होप आपका सपोर्ट मुझे जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।